अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर फॉर सिंप्लीफिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर फॉर सिंप्लीफिकेशन। इसमें मेजर दो प्रॉपर्टीज है जो यूज होती है। एक तो है एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, मीन्स इसमें से इसको माइनस करके यहां लिख दो। ये एन तो सेम रहता है यहां पे, ये जो भी नंबर है, तो चाहो तो इसमें से इसको माइनस करके लिख सकते हैं, इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, इफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी के, यदि ऐसा है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी के है, तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, ये तो R इज इक्वल टू के होगा, और सेकेंड, और देखो या तो दोनों इक्वल हो जाए R और K, तो क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर और R प्लस K, इन दोनों का जो सम है R प्लस K दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, N। इन दोनों का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, N। यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो देन वी कैन कंक्लूड दैट या तो आर इज इक्वल टू के होगा, और अगर ये नहीं है तो आर प्लस के इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एन। ये एन या ये एन सेम। अब क्या करते हैं, दोनों को प्रूव कर लेते हैं और फिर इन पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी के है। इफ ऐसा है तो देन वी कैन कंक्लूड आर इज इक्वल टू के, वो तो सिंपल है, इजीली वी कैन कंक्लूड, और आर प्लस के विल बी इक्वल टू। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का प्रूफ देखो, एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो अपना आया एलएचएस। अब आरएचएस देखो, ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, इसमें से इसको माइनस करते हैं ना पूरे को, एन माइनस आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, देख लो माइनस करके देख लो, आर फैक्टोरियल। तो देखो ये तो दोनों इक्वल है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, प्रोडक्ट में इधर उधर इंटरचेंज हो गए हैं, लेकिन वैल्यू तो क्या दोनों की सेम है, ठीक है। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेवन सी टू जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेवन, ये तो सेम रहता है, सी सेवन माइनस टू दैट इज वॉट फाइव। चाहो तो दोनों की वैल्यू निकाल के देख लो, सेम रहेगी, सेवन सी टू की वैल्यू निकालो, सेवन सी फाइव की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, और ये वैल्यू आएगी 21। चाहे तो फाइंड आउट करके देख लेना। सेकंड, 12C3 ये किसके इक्वल होगा, ये तो 12 तो रहेगा ही, सी 12 माइनस थ्री दैट इज व्हाट, नाइन। थर्ड, 100C20
दैट इज इक्वल टू व्हाट 100, ये तो सेम रहता है। सी अभी फर्स्ट वाली देख रहे हम, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो 100 सी 100 माइनस 20 दैट इज व्हाट 80। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। फोर्थ एन सी वन दैट इज इक्वल टू व्हाट एन सी एन माइनस वन, तो एन सी वन इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या आएगा, एन आएगा। इसकी वैल्यू भी निकाल के देख लेना, तो एन ही आएगा। एन सी क्या किया मैंने, एन माइनस वन कर दिया। फिफ्थ एन सी जीरो दैट इज इक्वल टू एन सी एन माइनस जीरो, क्या आएगा एन, एन सी जीरो क्या होता है वन, तो एन सी एन भी हमने देखा था क्या था, वन था। ठीक, अब जो है सेकंड वाले को देखो, ये तो देखो ये वाला जो है r इज इक्वल टू के, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, r इज इक्वल टू के इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी, अब मैं k में प्रॉपर्टी लगा दूं, एन सी के को लिख सकता हूं एन माइनस के, एन सी के को क्या लिख सकता हूं मैं एन सी एन माइनस के, ये वाला प्रॉपर्टी लगा देना फर्स्ट वाली मैंने, चाहे तो यहां लगा देना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, या फिर यहां पे ये लिख सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां से, आई कैन राइट आर इज इक्वल टू एन माइनस के, तो देखो आर प्लस के क्या आ गया, एन आ गया, आर प्लस के इज इक्वल टू के। तो यहां पे देख ही सकते हो, देखो 7c2 इज इक्वल टू 7c5, ये हमें पता है क्या होगा, या तो 2 इज इक्वल टू 5 होगा, लेकिन वो तो नहीं है, अगर वो नहीं है तो देन विल मूव टू सेकंड केस, क्या 2 प्लस 5 7 आ रहा है, यहां देखो या तो 3 इज इक्वल टू 9 होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है ना, वो नहीं है तो क्या होगा 3 प्लस 9 12 के इक्वल आना चाहिए, आ रहा है, ये तो 20 और 80 इक्वल होना चाहिए लेकिन वो तो नहीं है, तो क्या 20 प्लस 80 100 आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो 1 प्लस n माइनस 1 n के इक्वल आना चाहिए, 0 प्लस n n के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों का सम जो है इस n के इक्वल होना चाहिए, या जो भी नंबर है उसके इक्वल होना चाहिए। तो इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सपोज इट इज गिवन दैट 12 सी आर इज इक्वल टू 12 सी 2 आर माइनस 3, ये गिवन है, देन फाइंड आर, हमें क्या करना है फाइंड आर। ठीक है, R फाइंड आउट करना है, तो देखो अब 12 12 ये तो सेम है, अगर ये सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए। देखो फर्स्ट वाला केस R इज इक्वल टू K, तो क्या या तो R शुड बी इक्वल टू व्हाट 2R माइनस 3, ये इक्वल होना चाहिए, और ये या फिर क्या होना चाहिए R प्लस 2R माइनस 3, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए 12 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे, यहां से r क्या आएगा 3 आएगा, r क्या आएगा 3 आएगा, और इसको सॉल्व करो 3r, तो r क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां से r की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 3 है और दूसरी 5 है,
लेकिन उसके लिए देखना ये सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था एन प्लस वन सी वाला जो है, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो हम जब हमें ये पता है तो अननेसेसरी हम एक्सपैंड क्यों करें इनको और फिर वैल्यू फाइंड कर आउट करें, उससे बेटर है डायरेक्टली कंपेयर करो ना। तो आर थ्री रखो देखो तो क्या आएगा, 12C3, 12C ये भी 3 आ जाएगा, तो 12C3 इक्वल टू 12C3 होता है। या फिर आर फाइव रखो तो 12C5 इज इक्वल टू 12C7, वो भी इक्वल ही होता है क्योंकि 5 प्लस 7 क्या है 12 के इक्वल होगा। वैल्यूज रख के वेरीफाई कर लेना ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्वेंटी थ्री सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 23C आर प्लस टू, देन फाइंड आर। अगर ऐसा है देन फाइंड आर। तो देखो ये तो सेम है, क्या करें फर्स्ट केस, या तो क्या होगा आर माइनस वन इज इक्वल टू आर प्लस टू, और क्या होगा या तो ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल हो गए तो भी वैल्यूज इक्वल हो जाएगी ना, या फिर क्या होगा इन दोनों का जो सम है वो 23 के इक्वल होना चाहिए, और आर माइनस वन प्लस आर प्लस टू शुड बी इक्वल टू व्हाट 23, इन दोनों का सम। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू टू, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहां से तो आर की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। यहां से देखते हैं और आर आर टू आर, टू आर इज इक्वल टू 22, तो आर क्या आ जाएगा 11, तो जो अपना आंसर होगा आर विल बी इक्वल टू व्हाट 11। तो क्या आएगा 23C10 इज इक्वल टू 23C12, दोनों की वैल्यूज क्या होगी इक्वल होगी। ये वैल्यूज रख के देख लो, क्योंकि ये डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मींस यहां पे जो पावर है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। मींस जो पावर है सपोज n अगर है तो n बिलोंग टू n, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो n है अपना वो क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहां पे देखो बाइनो नाम से ही क्लियर है, बाइनो मींस व्हाट टू, बाइनो मींस व्हाट टू, ये जो x प्लस y की पावर n इसका जो एक्सपेंशन होगा x प्लस y की पावर n इसका जो एक्सपेंशन होगा दैट विल एन सी जीरो, जीरो से स्टार्ट करो, ये जो भी पावर है यहां पे रख दो जीरो से स्टार्ट किया, तो क्या होगा एक्स की पावर एन माइनस जीरो दैट इज व्हाट एन, वाई की पावर ये जो भी है जीरो प्लस, इसको ध्यान से देखना क्योंकि एक बार में ये समझ में नहीं आता है, फिर क्या आएगा एन सी वन, जीरो के बाद क्या आएगा वन आएगा, बस ये इतना समझ में आ गया एन सी वन ये दिख गया। अब मैं आगे तो लिख दूंगा क्या होगा, पहले एक्स लिखूं, यहां पे जो भी है एक्स है, एक्स की पावर क्या होगा एन माइनस वन इंटू वाई की पावर ये जो भी नंबर है वन, फिर प्लस अब क्या लिखूंगा एन सी टू, एन सी टू, एन सी टू आ गया, बस अब क्या चाहिए एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू प्लस, फिर क्या आएगा एन सी थ्री,
ना टू के बाद क्या आएगा, थ्री, बस एन सी थ्री दिख गया, एक्स की पावर क्या आएगा एन माइनस थ्री और वाई की पावर ये आ गया थ्री एन सो ऑन। फिर आगे और प्लस मैं इसके नीचे लिख देता हूँ प्लस, बीच में सपोज मैं कहीं पे लेता हूं, मैं अगर मैं एन सी आर लिखता हूं, एन सी आर जो भी आएगा कंटिन्यू अगर मैं लिखता हूं इसको, तो क्या आएगा x की पावर n माइनस r, इसमें से इसको माइनस कर देना x ये रहा, y की पावर क्या आएगा ये r एंड सो ऑन। फिर क्या आएगा कहीं पे n c n तक भी जाएगा है ना, इंक्रीज करते 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 n तक भी पहुंचेंगे, तो x की पावर क्या आएगा n माइनस n दैट इज व्हाट जीरो, y की पावर n प्लस n के बाद n प्लस वन पे जाएंगे, तो लेकिन जैसे ही n प्लस वन पे जाएंगे हम क्या होगा n c n प्लस वन, ये तो क्या होता है जीरो होता है, ये ग्रेटर हो गया ना इससे, तो ये जीरो आएगा। फिर n c n प्लस टू वो भी क्या आएगा जीरो, फिर n c n प्लस थ्री वो भी क्या आएगा जीरो, मीन्स जिसके बाद की सारी टर्म्स क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। कहां तक लिखेंगे हम n c n तक, ये जहां जो है वहां तक। तो इसका एक्सपेंशन मैं एक बार और रिपीट करता हूं, बाइनोमियल मीन बाइनो मीन्स वॉट टू, तो दो टर्म्स है यहां पे x एंड y। अब देखो जीरो से स्टार्ट करो, ये जो भी है यहां लिख दिया एन सी जीरो, फिर ये जो भी है नंबर x, तो x की पावर n माइनस जीरो दैट इज व्हाट n, फिर लिखो y विथ प्रॉपर साइन, जो साइन है उस साइन के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे, ठीक y y की पावर जीरो प्लस, फिर आएगा एन सी वन, एन सी वन x की पावर n माइनस वन y की पावर वन प्लस, फिर आएगा एन सी टू, तो n माइनस टू y की पावर टू एंड सो ऑन। अब तो कहां तक n c n तक, क्योंकि उसके आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है ओके। तो यहां पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी वो आता कि इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी रहेगी, टोटल टर्म्स जो रहेगी वो कितनी रहेगी, देखो x प्लस वाई की पावर n है, तो देखो 1 से लेकर n तक कितनी टर्म्स हो गई n, और एक टर्म ये एक्स्ट्रा, तो कितनी टर्म्स हो गई टोटल टर्म्स n प्लस 1 टर्म्स रहेगी, मीन्स ये जो भी पावर है उससे एक ज्यादा, ये जो भी पावर है उससे एक ज्यादा। तो ये तुम्हें पता है, जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें कितनी टर्म्स आती है तीन टर्म्स आती है, वैसे भी देखो क्या है टू है, टू प्लस वन तीन टर्म्स आएगी, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तीन टर्म्स आ रही। अगर क्यूब है x प्लस वाई का होल क्यूब कितनी टर्म्स आनी चाहिए फोर, तो फोर टर्म्स आती है इसके एक्सपेंशन में, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, देखो वन टू थ्री फोर। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं x प्लस वाई की पावर 50, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएगी 51, ये जो भी पावर है उससे एक ज्यादा, ये तो टोटल टर्म्स आ गए। सेकेंड, ये जो होते हैं एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन, ये जो है इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशियंट, इनको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशियंट, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अब तो कहां तक एन सी एन तक, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशियंट, इनको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशियंट।
ठीक है। अब आते हैं थर्ड, थर्ड जो है ये है जनरल टर्म। इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जनरल टर्म हमने प्रोग्रेशन में देख लिया था कि जनरल टर्म हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हमें जनरल टर्म पता चल जाती है तो वी कैन राइट डाउन एनी टर्म। अगर हमें जनरल टर्म पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म के लिए देखो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई की पावर एन है। तो यहां पे देखो ये जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो क्या है, जीरो है। सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है इस एक्सपेंशन की, तो सेकेंड टर्म है तो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ये थर्ड टर्म है, देखो थर्ड टर्म है तो क्या आ रहा है, टू आ रहा है, एक कम। फोर्थ टर्म है तो थ्री आ रहा है। एंड ये क्या है, एन प्लस वन नंबर की टर्म है ना लास्ट टर्म, तो एन आ रहा है, एक कम। ठीक है, ओके। तो जनरल टर्म जो है, सपोज मुझे टर्म लिखना है आर प्लस वन, आर प्लस वन क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक कम करना पड़ेगा ना, तो मैं टी आर प्लस वन लिख लेता हूं। टी आर प्लस वन किसके एक्सपेंशन में चाहिए हमें, एक्स प्लस वाई की पावर एन, क्योंकि हम बार बार जो है सारी टर्म थोड़ी लिखेंगे, ये इतना लेंदी एक्सपेंशन हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो टी आर प्लस वन मीन्स आर प्लस वन नंबर की अगर हमें टर्म पता चल जाती है तो आर की वैल्यू रख के हम जो भी टर्म चाहिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो टी आर प्लस वन क्या होगा, एन है, ठीक है, एन सी एक कम, आर प्लस वन है ना, आर प्लस वन टर्म चाहिए, एक कम क्या हो जाएगा, आर आर आ गया, बस एन सी आर इतना पता चल गया। बस इसके आगे तो हम लिख देंगे क्या है, पहले x, x की पावर क्या होगा, n माइनस आर, y की पावर क्या आ जाएगा, तो ये जो होगी दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की ये क्या होगी, जनरल टर्म। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इस पर देखो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसके एप्लीकेशन, सपोज हमें चाहिए फिफ्थ टर्म, तो क्या करें, या तो आर की वैल्यू क्या रखें, फोर रखें, तो फोर प्लस वन क्या आ जाएगा, फाइव, या फिर क्या हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, एक कम होता है, क्या हो जाएगा, एन सी फोर, एक कम होता है ना, बस एन सी फोर पता चल गया। अब क्या है, एक्स एन माइनस फोर, वाई की पावर वन, फोर, ये जो भी टर्म है ये फिफ्थ टर्म होगी इस एक्सपेंशन की। ठीक है, हमें तो चाहिए टेंथ टर्म, टेंथ टर्म चाहिए एन सी नाइन, एक कम, एन सी नाइन ये पता चल गया, एक्स जो भी फर्स्ट है, एन माइनस नाइन वाई की पावर, ये जो भी है नाइन, और कोई सी भी टर्म चाहिए हमें वो टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें एंथ टर्म चाहिए, ये यू कैन से टेन प्लस वन लास्ट टर्म, इस एक्सपेंशन में टोटल एन प्लस वन टर्म्स होगी ना, पावर एन है तो लास्ट टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म क्या है, एन प्लस वन है, एक कम करो, एन सी एन, बस ये पता चल गया इतना, इतना लिखने के बाद क्या, एक्स एन माइनस एन जीरो वाई की पावर एन। और वैसे भी देखो ये ठीक है, सपोज हमें चाहिए फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म चाहिए, एक कम करो, एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, ये फोर्थ टर्म है। तो यहां पे देखो फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ टर्म आ रही है, देखो सेम है क्या, ठीक है। अब ये जनरल टर्म की एप्लीकेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल सी दैट लेटर। अभी देखो कि फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म या टेंथ टर्म जो भी टर्म है उसको हम लिखते कैसे हैं वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं।